हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन्स वेल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ पारसी गारा के दुपट्टे दिखाने के लिए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड के पारसी गारा का जो है अगर दुपट्टे या उनका उसका काम यहाँ पे है तो वो ज़रा आप ढूँढें दिखाएं। मैंने काफ़ी ढूँढा और उसके बाद मुझे सिर्फ एक दुकान में जो है वो पारसी गारा के दुपट्टे मिले। उन्होंने कहा क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि शॉल ले लें दुपट्टे के इंस्टेड ऑफ अ दुपट्टा, तो इसीलिए अब वो कम ही रखते हैं। और ये भी उसका इंस्पायर्ड था, असली पारसी गारा जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए का एक दुपट्टा होता है, तो उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त हमारे पास नहीं है, तो मे बी सम अदर टाइम। सबसे पहले हम पारस की दुकान पे आए, ये हमारे जानने वाले भी हैं, बहुत अच्छे वेंडर्स हैं। और ये जो है शॉप ये F6 में है सुपरमार्केट में। अगर आप सुपरमार्केट आएँ तो यूनाइटेड बेकरी के साथ और KFC के साथ ये कोई 10 से 12 के करीब दुकानें हैं जहाँ पे सब हैंडीक्राफ्ट्स, शॉल्स और इस किस्म का जो है ना आपको मटेरियल मिलेगा। यहाँ पे कारपेट्स और अफ़गानी ज्वेलरी, एथनिक किस्म की चीज़ें आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मिलेंगी। इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स का और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है यहाँ ज़्यादा वहाँ इस इन दुकानों पे आपको वहाँ इनका ज़्यादा रश आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये कानी की शॉल इन्होंने हमें दिखाई और इसकी कीमत थी जी हाँ बस ज़रा ब्रेस योरसेल्फ 6 लाख रुपए। मतलब मैं सुन के जो है ना थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई, फिर मुझे होश आया। मैंने कहा 6 लाख का मतलब इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये इतना एक्सक्लूसिव चीज़ है कि ये इसकी ये एक्सक्लूसिव होने की इसकी जो है ना ये निशानी है। तो जब हमने कहा कि इतना महंगा, तो उन्होंने कहा जी ये तो 15 लाख की भी होती है इस टाइप की शॉल्स। तो हमने कहा चलिए अच्छी बात है 15 लाख की शॉल्स हैं, लेकिन ये कि उसके बाद ये दिखाया इन्होंने, ये नाजिश ही बता रही थी मुझे कि ये सर्दियों में ना आप अगर हल्का सा आपका थोड़ा सा इस तरह करके सूट है आपका रेशमी टाइप का, तो उसके साथ आप ये वाली शॉल जो है शेंटले वाली ये आप ले सकते हैं। ये इस पर सारी शेंटले की लेस लगी हुई है, शेंटले की लेस बताते खुद बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसके ऊपर जितना भी ये इन्होंने लगाया हुआ है ये शेंटले है इसीलिए। लेकिन ये भी असली शेंटले नहीं है, इसलिए इसकी कीमत थी 10,000 इस स्टोल की। उन्होंने कहा अगर ये असली शेंटले लगाएं और नीचे जो है ये असली पश्मीना हो तो इसकी भी कीमत लाखों में पहुंच जाएगी। मतलब लाखों के बगैर तो कोई आजकल बात ही नहीं चल रही ना, हर चीज़ लाखों में है। एनीवेज तो ये है, यहाँ पे कुछ शेडो वर्क की शर्ट्स मुझे नज़र आई, अच्छी लगी। खैर मौसम तो निकल गया है इस चीज़ का, शेडो वर्क और लॉन के कपड़ों का, लेकिन ये कि अच्छे भीने भीने से कलर्स थे, तो मैंने कहा चलो इसका भी मैं एक क्लिप बना लेती हूँ। और ये वो बता रहे थे कि 3,000 की शर्ट है और वाइट दुपट्टा, वाइट शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं आप इसको, उसके उसके साथ भी पहन सकते हैं जो कलर है इसका, उसके साथ शर्ट वो दुपट्टा और शलवार सिलवा के भी पहन सकते हैं, तो वो तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये कि अच्छा लग रहा था। फिर सर्दियों की मुनासिबत से ये जो है ना दिखा रहे हैं अब ये जोड़े, ये है कश्मीरी टांका हुआ है, इसके ऊपर हाथ की कढ़ाई है और ये बता रहे थे 14,000 का, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम कम भी कर देंगे। साथ शॉल थी, शॉल पे भी काम हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी अच्छी और वो जो ये इन्होंने कहा कि हाथ का काम है, ये मशीनी काम नहीं है, तो जहाँ भी हाथ के काम की बात आ जाए, दस्ती कारीगिरी आ जाए, तो वो चीज़ ज़रूरी बात है, वो एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन बड़ा खूबसूरत नाजुक काम उसके ऊपर हुआ हुआ था ना, ऐसे पेजले से बनी हुई थी, छड़ियाँ सी बनी हुई थी। कपड़ा जो था वो काफ़ी मोटा कदर मोटा कपड़ा था, जैसे शॉल का कपड़ा होता है जो सर्दियों में शॉलें पहनते हैं हम लोग, वो वाला कपड़ा था इसका। मुझे पता नहीं कि इस कपड़े को क्या कहा जाता है, ये रेड वाला बड़ा खूबसूरत मुझे लगा, बड़ा वाइब्रेंट खूबसूरत रेड कलर था इसका। और ये देखिए इसकी शॉल, शॉल पे हल्की सी बिल्कुल जो है ना इस तरह करके बेल सी बनी हुई है, तो अच्छा नाजुक सा लगा मुझे, खूबसूरत लगा ना। इसके साथ आप लंबी आप शर्ट सिलवा के इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कट वाली और साथ में ये आप बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की सर्दियाँ ऐसी हैं, एक तो थोड़ी देर के लिए आती हैं, मुश्किल से 2-3 महीने, इसके अलावा इतनी एक्सट्रीम वेदर होता नहीं है कि आप स्वेटर्स पहने और आप कोट्स पहने, तो शॉल से भी काम चल जाते हैं, और आपका मोटा सूट हो ऊपर शॉल हो तो बस गुड इनफ। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा मुझे मीडियम रेंज की शॉल्स दिखाएं, क्योंकि मतलब लाखों में जो है वो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन बाइंग पावर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इतने लाखों में चीज़ ख़रीदना।
तो उन्होंने फिर ये वाली शॉल्स दिखाई, ये भी कोई बहुत सस्ती नहीं है, लाइक 8,000 की 10,000 तक की हैं ये, लेकिन ये कि ये भी कश्मीर श्रीनगर से आई हुई हैं और इनके ऊपर भी बड़ा खूबसूरत आर का काम हुआ हुआ है, तो सब और बिल्कुल भरी हुई ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो थी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। कपड़ा भी बहुत अच्छा था इसका और कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत खूबसूरत थी और बहुत सफाई से किया गया हुआ काम ना, आप अगर असल में इनको देखें ना तो बहुत ही अच्छा सफाई से बड़ा नीट काम हुआ हुआ है। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा अगर मेरे व्लॉग के वसातत से कोई आए और आपको कहे कि एमी सैयद व्लॉग्स की तरफ से हम आए तो आप डिस्काउंट देंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम डिस्काउंट देंगे। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये शिपिंग भी करते हैं और इनके पास मीडियम्स से लेकर और वेरी हाई एंड एक्सपेंसिव चीज़ मौजूद है। कपड़े भी हैं इनके पास, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्टीज इनकी शॉलों की है और ये दुपट्टे जो होते हैं ना कलमकार वाले दुपट्टे जो होते हैं जो आप शादी ब्याह में भी ओढ़ सकते हैं, उसकी भी बड़ी वैरायटी इनके पास थी। अब ये कानी का ये दिखा रहे हैं, इसका रेप्लिका है, ये कानी का रेप्लिका है और ये इनकी कीमत भी मतलब 8,000-9,000 के करीब थी। तो अगर क्योंकि असली कानी तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर आपका शौक है और आप उसको वो करना चाहते हैं, अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं, तो आप ये वाली शॉल्स भी पहन सकते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी डिफरेंस है, दूर से किसको पता चलना है, किसने छू के देखना है, और इंसान अपने दिल की खुशी के लिए करे जो भी करे। तो इनकी भी प्रिंट्स बड़े खूबसूरत थे ये जो ये दिखा रहे हैं ना, और ये वाला बीच में जो है, खैर मुझे ये फिगरीन्स वाले इतने अच्छे नहीं लगते, फिर आप इसके साथ जो है नमाज वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये जो ये ब्लैक वाला था इसी तरह डिफरेंट कलर्स में थे, वो बड़े खूबसूरत थे। ये येलोज भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे ना, वैसे भी जब सर्दियाँ आएंगी तो ये खिलते हुए कलर्स और ये वाइब्रेंट कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं आपको, जैसे वार्मथ मिलती है सर्दियों के ना महीनों में जब ठंडी ठंडी धूप निकली हुई हो, बड़ा मज़ा आता है। तो ये बस ये देख रही थी मैं, मैंने कहा चलो इसकी मैं कुछ आपके लिए क्लिप्स बना लूं और उसके बाद फिर, क्योंकि हम आए तो पारसी गारा का पूछ के, लेकिन उन्होंने कहा वो तो नहीं है लेकिन और कोई चीज़ें नहीं आई हुई हैं तो वो आप देख लें, तो वो फिर बस हम देख रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ एक्सक्लूसिव नज़र आए तो ले ली जाए या फिर आपको दिखाया जाए, तो वो उसी के सिलसिले में अब मैं ये आपको शॉलें नज़दीक से भी दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें। और छूने में भी इसका कपड़ा बड़ा नरम और जैसे ना लग रहा था कि ये जब आप सर्दियों में पहनेंगे ना तो ये बड़ा मतलब मुलायम और जैसे बॉडी के साथ आपके ना बिल्कुल जो वो हो जाता है मोल्ड हो जाता है उस टाइप का कपड़ा था, क्योंकि सर्दियों में ये खड़ा खड़ा जो होती है ना खड़ी खड़ी शॉलें सख्त शॉलें उससे आपकी जो है ना सर्दियाँ जो सर्दी है वो नहीं रुकती। अच्छा फिर ये इनका नेम है, इनके टेलीफोन नंबर्स हैं, सब कुछ जो है यहाँ अवेलेबल है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो इनको कांटेक्ट करें और ये आपको उस पर भी दिखा देंगे, वेब कैम पर भी दिखा देंगे अगर एक्सक्लूसिव चीज़ कोई चाहिए, ये जिस तरह की भी चीज़ आपको चाहिए। तो ये वाला जो था ये तो नाजिश ने ले लिया अपने लिए, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने कहा बड़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी सर्दियों में, और ये 10,000 का था, 12,000 कह रहे थे लेकिन उन्होंने फिर 2,000 कम करके 10 का जो है वो दे दिया। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और जैसे मुट्ठी में आ रहा था ना ये बड़ा खूबसूरत इसका, उसको इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे, हम तो ये थोड़े से लाइट कलर्स में इंटरेस्टेड थे। अच्छा फिर ये इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, तो मैंने कहा मैं आपको वंस ओवर दे दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब ये मैं दूसरी दुकान पर आपको लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर ये देखिए ये पारसी गारा के दुपट्टे जो मैं आपको बता रही हूँ कि असली कितने की होती है, बहुत अब ये नायाब हो चुके हैं, बहुत कम ये मिल रहे हैं और वो यही कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो जानी है, बहुत कम हो गए हैं अब। नाम तो इसका पारसी गारा है, आयरो मैं समझती थी ये कराची में बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये भी कश्मीर से ही आते हैं। अच्छा ये वाला देखें कितना खूबसूरत है ना, इतना नाजुक इसके ऊपर काम हुआ हुआ था ना, हल्की हल्की सी बेलें सी बनी हुई थी और साथ में सारा बॉर्डर और साथ में ना साइडों पे वो टैसल से लटक रहे थे। अब ये सब पारसी गारा के दुपट्टे हैं, कुछ पे बहुत नाजुक कढ़ाई हुई थी और कुछ पे जो था वो थोड़ा मोटा काम हुआ हुआ था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये हाथ का है, उन्होंने कहा नहीं हाथ का नहीं ये कंप्यूटराइज्ड है। अब कंप्यूटराइज्ड का मुझे नहीं पता, मे बी ये कोई इस तरह की मशीन हो जिसमें डाल के और ये सारा जो है ये निकालते हैं, अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है तो हो सकता है ये इसमें भी सारे कंप्यूटर का जो है वो आ गया हो काम होना। तो ये देखिए ये इसका टिपिकल पारसी गारा के कलर्स और ये इसकी
क्या कहते हैं इसके ऊपर सारा हुई भी एम्ब्रॉयडरी। अच्छा ये भी वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं, आप फ़ोन करें या आपको केटर करेंगे, बहुत अच्छे हैं ये जितने भी वेंडर्स हैं ना ये F6 के तरफ, सारे के सारे वेंडर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और आप जितनी भी इन्वेंटोरी देखना चाहें इनके माथे पे बल नहीं आते, आपको दिखाते जाते हैं। प्राइसेस का ये है कि अगर आपकी जान पहचान है तो फिर ये काफ़ी कम कर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो मैं ख़रीद रहा हूँ इसकी मार्केट में क्या कीमत है, आया ये इतने का है, क्योंकि अगर आपको नो हाउ नहीं है ना तो फिर ये आपको मुंह मांगी आपसे कीमत ले सकते हैं। तो ये एक बार फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये पारसी गारा के दुपट्टे हैं और ये कश्मीर श्रीनगर से जो है ना ये वहाँ की ये मेक है। और ये पुराने ज़माने में पारसी ख़वातीन जो है ना ये काम किया करती थी दुपट्टों के ऊपर, हैंस द नेम पारसी गारा। तो ये इसमें और डिफरेंट डिज़ाइन वो दिखा रहे थे, हम कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा ना कलरफुल भी दिखा दें, कलरफुल दुपट्टे। तो वो उनके पास जितनी भी थी, जितना भी उनके पास इन्वेंटोरी थी तो वो उसमें दिखा रहे थे। ये देखें इसके ऊपर ना डिफरेंट फूलों के साथ डिफरेंट बर्ड्स बने हुए हैं, ये इनका एक ख़ास किस्म का ये एक आप कह लें एक ये हैंडीक्राफ्ट है, एम्ब्रॉयडरी का एक स्टाइल है। और इसमें ज़्यादातर ना फूलों के साथ ये परिंदों का भी कोई ना कोई मतलब, किसी में मोर, किसी में कोई भी किसी किस्म का भी परिंदा जो है ना उसका एडिशन जो था वो था। उन्होंने कहा ये इस चीज़ की पहचान है, ज़्यादातर पारसी गारा के जो दुपट्टे हैं उसकी पहचान यही है कि उसमें कोई ना कोई बर्ड भी शामिल होता है। ये देखिए ना हर दुपट्टे के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी बर्ड का एडिशन हुआ हुआ है। और ये आप लोग प्लेन सूटों के साथ पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिसको पहचान है इसकी कि ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ है। प्राइसेस जो थी वो 15,000 से स्टार्ट होकर और 65,000 तक चली गई थी, और डिफरेंट उनकी डिफरेंट प्राइसेस थी, हर दुपट्टे का डिफरेंट प्राइस था, जितना उस पर काम हुआ हुआ था उसी के लिहाज से वो महंगा था। और कुछ जो थे वो मतलब एक जो उन्होंने सबसे पहले दिखाया वो 15,000 में, बाकी जो है वो ज़्यादा होते गए। अब ये वाला जो उन्होंने दिखाई है 65 का था, तो इसका ये था कि पूरा प्लेन था और उसकी जो चिड़ियाँ बनी हुई हैं वो कलर कलर फुल उससे धागे से बनाया गया, फिर इसमें मोर भी थे छोटे छोटे बने हुए दुपट्टे के ऊपर सारे। तो मैंने पहले भी ये देखा तो था काफ़ी लोगों को पहने हुए, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इसको पारसी गारा कहा जाता है, तो आज मुझे पता चला। अच्छा ये भी बड़ा खूबसूरत था, ये मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगा, ये वाला ना इसमें भी देखें बर्ड्स भी हैं और साथ में फूल भी हैं, इसका गुलाब भी प्यारा था और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी खूबसूरत था। ज़्यादातर लाइट कलर के ऊपर हुआ हुआ था ये, मतलब ज़्यादा फैंसी कलर्स मैंने मुझे नहीं दिखाई दिए इसमें, मतलब ऑरेंज हो गया या ग्रीन हो गया या कुछ लाइट कलर के दुपट्टे और साथ में हल्के कलर्स की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा इसके अलावा इनकी साड़ियाँ भी काफ़ी मिलती हैं पारसी गारा की ना, पूरी पूरी साड़ियाँ। तो वो यही बता रहे थे कि असली पारसी गारा जो है उसकी उसका दुपट्टा जो है वो 2 लाख तक का, और साड़ी 5-6 लाख तक की जो है वो मिलती है। और ये इंडिया में काफ़ी जो है ना ये दस्तियाब है, क्योंकि वहाँ साड़ियाँ वैसे भी साड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती हैं, और मेरे ख्याल से वहाँ काफ़ी पारसी जो है ना आबादी काफ़ी है वहाँ पे इंडिया में भी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये, लेकिन वो कह रहे थे कि बनता है कश्मीर में। तो फिर ये देखते जाएँ आप इनका, ये भी काफ़ी खूबसूरत था, ये वाला भी काफ़ी खूबसूरत था, फूल था इसके ऊपर पूरा गुलाब बना हुआ था और साथ में ये इस तरह करके ना बेलें सी बनी हुई थी, खूबसूरत था ये, और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन था। अच्छा फिर ये इन्होंने दिखाया ये स्वात, उन्होंने कहा स्वाति वर्क है, ये स्वाति वर्क है, और उन्होंने कहा कि ये भी असली जो है वो लाख की है, लेकिन ये क्योंकि रेप्लिका है उसका तो ये वो 25,000 का कह रहे थे कि ये 25,000 तक का ये वाला। और ये भी मुझे खूबसूरत लगा बहुत। अच्छा मुझे स्वाति वर्क की शॉल्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत ये इस तरह का जो मोटिव है ना ये मुझे मोटिव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दुपट्टा भी इसका अच्छा था, लेकिन प्रेफरेबली मैं अगर ख़रीदूँ तो मैं शॉल ख़रीदूँ, दुपट्टा तो आप मतलब वो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये अब सारे स्वाति वर्क की शॉल्स वो दिखा रहे थे, उन्होंने नॉट शॉल सॉरी दुपट्टे दिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कहते तो इसको स्वाति वर्क है लेकिन ये भी कश्मीर से आया हुआ है श्रीनगर से। तो बस यही इनके पास इन्वेंटोरी थी, ये इनकी दुकान का नाम है
थ्रेड व्यू ग्रैंड गैलरी, और ये भी F6 में है जिना, सॉरी सुपर मार्केट पे, और ये इनके नंबर्स हैं, और ये वर्ल्ड वाइड जो है ना आपको ये डिलीवरी करके देते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है इन दुपट्टों की या किसी शॉल की, तो आप इनसे रब्ता करें, एंड दे विल केटर टू योर नीड्स। थैंक यू एंड गुड बाय।